भारत में चाय कॉफी और बिस्किट के साथ दिन की शुरुआत करना एक ऐसा डेली रूटीन है जिसे लगभग हर घर में फॉलो किया जाता है। मार्केट में आपको तरह तरह की वैरायटी के बिस्किट मिल जाएंगे, जैसे जीरा बिस्किट, मीठे या नमकीन बिस्किट, चॉकलेट क्रीम बिस्किट, स्ट्रॉबेरी क्रीम बिस्किट, बटरस्कॉच क्रीम बिस्किट, कोकोनट बिस्किट आदि। डायबिटीज पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए शुगर फ्री बिस्किट भी अब मार्केट में आ चुके हैं। सबसे अधिक पैमाने पर बिस्किट उत्पादन करने वाले देश में भारत का स्थान अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है। इंडिया में बिस्किट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। बिस्किट एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसे हर उम्र के लोग बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए बिस्किट का उत्पादन करना फायदे वाला बिजनेस बन गया है। तो आज हम अपने वीडियो में आपको क्यूमिन बिस्किट यानी जीरा बिस्किट बनाने की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी की मदद से आप भी क्यूमिन बिस्किट मेकिंग का बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। एरिया। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए ऐसी जगह की जरूरत होती है जहां अपना प्लांट लगाया जा सके। जीरा बिस्किट बनाने के लिए आपको लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। रॉ मटेरियल। जैसा आप सब जानते ही हैं, बिना रॉ मटेरियल के किसी बिजनेस को शुरू नहीं किया जा सकता है। क्यूमिन बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर आपको घी, बटर, शुगर, मैदा, जीरा, बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर और मसाले की जरूरत पड़ेगी। प्रोसेस। क्यूमिन बिस्किट या जीरा बिस्किट बनाने के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको इसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना होगा। इसके बाद ये सभी रॉ मटेरियल दो नीडर में डाले जाएंगे। ये इन सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स कर डो बनाता है। अगली प्रोसेस है डो रोल बनाने की, जिसमें डो को मैन्युअली थोड़ा मैदा ऐड कर रोल किया जाता है इन अ सूटेबल फॉर्म फॉर शीटिंग। इसके बाद डो की मैन्युअली शीटिंग की जाती है। इसी स्टेप में डो में जीरा भी ऐड किया जाता है और डो शीट तैयार की जाती है। इसके बाद इस शीट की मैन्युअली बिस्किट के साइज में कटिंग होगी और फिर इसे ट्रे ओवन का इस्तेमाल कर बेक किया जाएगा। बेकिंग के बाद रेडी बिस्किट को थोड़ी देर कूल होने के लिए ट्रे में रखा जाता है और फिर इसे पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेजा जाएगा। मशीन एंड इक्विपमेंट्स। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ मशीन्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे मशीन में आपको चाहिए होगा डो नीडर, ट्रे ओवन एंड अदर एंसिलरी मशीन्स। वहीं इक्विपमेंट्स में आप जनरल बेकिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एट्सेट्रा की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नए व्यवसाय की शुरुआत से पहले उसकी लागत और उससे होने वाले मुनाफे की पूरी जानकारी जरूरी है। 200 केजी पर डे रेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी की सेमी ऑटोमेटिक क्यूमिन बिस्किट मेकिंग यूनिट को शुरू करने के लिए आपको 25 से 28 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस में आप 25% तक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। ध्यान दें कि ये सभी फिगर्स आपके बिजनेस की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, सप्लाई चेन्स एंड मार्केट स्ट्रेटजी पर डिपेंड करती हैं। पावर रिक्वायरमेंट। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 23 किलोवाट का 3-फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। मैन पावर। अब अगर मैन पावर की बात करें तो इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 6 से 8 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें 3 स्किल्ड, 3 अनस्किल्ड
और एक सुपरवाइजर शामिल है। लाइसेंस। क्यूमिन बिस्किट मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको GST, FSSAI और उद्यम की जरूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofbi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।